वालेकुम क्या हाल है मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स मेरे कोलीग्स मेरे टीचर्स होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे सॉरी मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है मियाज़म्स मैंने कोशिश की है इसको बेसिक वे में जो है आप कन्वे करने की तो हम स्टार्ट करते हैं मियाजम्स को तो मियाज़म क्या होता है इसकी डेफिनेशन ये होती है इट इज़ अ डाइनमिक मॉर्बिफिक फोर्स दैट पोल्यूट द ह्यूमन ऑर्गेनिजम लीडिंग टू अनहेल्दी टेंडेंसीज एंड डिफरेंट डिजीज ठीक है ये अगर जो ये ऐसी फोर्स होती है कि अगर ये पोल्यूट कर दे हो जाए तो जिसमें बीमारियाँ नमदार होना शुरू हो जाती हैं वर्ड म्याजमा मीन्स पोल्यूशन और स्टिग्मा। ठीक है जो जिससे ये मियाजम निकला है उस मियाजमा का मतलब होता है पोल्यूशन आलूदगी या स्टिग्मा मियाज़म आर हिडन इन एवरी वन कैन कैरी फ्राम जनरेशन टू जनरेशन हर इंसान में जो है मियाज़म मौजूद होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट होते रहते हैं अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स पे आ, इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं एक्यूट मियाजम और क्रॉनिक मियाजम ठीक है एक्यूट से आपको जो है आइडिया हो गया होगा अच्छा म्याजम्स की हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं कि म्याजम को जैसे हमने बताया एक्यूट म्याजम और क्रॉनिक म्याजम एक्यूट म्याजम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं रिकरेंट म्याजम एंड नॉन रिकरेंट फिक्स्ड म्याजम और क्रॉनिक म्याजम को हम डिवाइड करते हैं नॉन वेनरियल म्याजम यानी सोरा और वेनरियल मियाजम यानी सेफलिस एंड साइकोसिस फिर उसके बाद आ जाते हैं हम एक्यूट मियाजम के ऊपर कि वट इज़ एक्यूट मियाजम इट इज़ अमिक मॉरिफिक फोर्स विच कॉजेज एक्यूट स्पेसिफिक एंड इन्फेक्शस डिजीज़ एक्टिव मियाजम काजेज एक्यूट डिजीज ऑन सेट पीरियड ऑफ प्रोग्रेस एंड इन टू डेथ और रिकवरी यानी इतनी एक्यूट सी ए, एक्यूट तेजी से स्टार्ट होती है ये कि अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए आ, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिकवरी हो जाए लेकिन ये एंड इन टू डेथ ठीक है उसके बाद आ जाती है आ, आ, जो है एक्यूट मियाज़म की टाइप एक्यूट रिकरेंट म्याजम अब इसमें क्या होता है इसमें आ, जो बीमारी है वो बंदे को बार बार अटैक करती है अटैक पर्सन सेवरल टाइम्स इन सेम मैनर एंड इज़ वेरी कॉमन फॉर एग्ज़ाम्पल्स कौन सी बीमारियाँ जो बार बार होती हैं उनमें आ जाती है हमारे पास कॉलरा प्लेग कोरोना एक्सेट्रा ठीक है उसके बाद दूसरी टाइप जो है एक्यूट म्यजम की वो है नॉन रिकरेंट एक्यूट म्यजम ठीक है ये फिक्स मैज़म होते हैं अटैक ओनली वन टाइम एक ही दफ़ा अटैक करते हैं ये अटैक इज़ फिक्स वन और टू परसन फॉर एक्ज़ाम्पल हुपिंग कफ ठीक है जैसे जिसको उर्दू लैंग्वेज में कुत्ता खांसी भी कहते हैं तो हुपिंग कफ जो है वो भी एक दफ़ा होती है और ये नॉन रिकरेंट एक्यूट मैज़म में आती है अब हम आ जाते हैं क्रॉनिक मैज़म्स पे ठीक है अभी तो हमने एक्यूट किए थे अब हम क्रॉनिक कर रहे हैं ट्रू फंडामेंटल कॉजेज प्रोड्यूस क्रॉनिक डिजीज ठीक है पीरियड ऑफ़ प्रोड्रोम पीरियड ऑफ प्रोड्रोम मीन बीमारी शुरू होने का वक्त पीरियड ऑफ़ प्रोग्रेस बीमारी किस तरह बढ़ रही है पीरियड ऑफ़ डिक्लाइन बीमारी नीचे की कि तरफ किस तरह आ रही है एंड 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 किस तरह हो रही है ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है एंड ओनली बाय एंटी म्याजमेटिक ट्रीटमेंट इसके लिए एंटी म्याजमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन वेनरियल म्याजम यानी सोरा के ऊपर सोरा जो है नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ डिजीज सी इन बिगनिंग ऑफ ऑल दिस सिकनेस ठीक है यानी इसमें जो है कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ़ द डिजीज सीन इन द बिगनिंग ऑफ ऑल दिकनेस ठीक है शुरू में ही इसके मैनिफेस्टेशन आने शुरू हो जाते हैं जैसे कि हानिमन ने कहा था कि सोरा इज अ मल्टी हेडिड मोस्टर जिसका मतलब ये था इफेक्ट्स इंटरनली एंड मैनीफेस्टिड एक्सटर्नली यानी अंदर अटैक हो रहा होता है और वो बाहर मैनीफेस्ट कर रहा होता है फिर करेक्ट्रिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं इसके वलपशियस इच फोर्सिंग द पेशेंट टू स्क्रैच एंड रिलीव एंड इट रिलीव हिम बट इज़ फॉलोड बाय बर्निंग ऑफ स्किन यानी वो उसको इतनी ख़ारिश होती है सर में कि वो जो है ख़ारिश करना शुरू करता है तो वो तो इतना आ, आ, अपने रिलीफ़ के लिए इतनी ज़्यादा ख़ारिश कर लेता है तो जब वो हाथ हटाता है तो उसको वहाँ पे बर्निंग फीलिंग होना शुरू हो जाती है नोन एज इचिंग मियाजम इसको इचिंग मियाजम भी कहते हैं मदर ऑफ़ ऑल मियाजम्स ठीक है सोरा की बात हो रही है अभी भी ये इट इज़ प्रेजेंट इन बॉडी नो अदर मियाजम्स अफेक्ट द मैन ठीक है कोई भी मियाज़म जो है तब तक अफेक्ट नहीं होता जब तक सोरा आपकी बॉडी के अंदर है ठीक है क्योंकि ये मदर ऑफ़ ऑल मियाज़म्स है तो ये अपना काम कर देती है फिर आइडेंटिफाइंग सिम्टम्स क्या होते हैं इसके प्रोड्यूस फंक्शनल डिजीज़ फंक्शनल डिजीज़ क्या होते हैं जैसे सिस्टम uh, की प्रॉब्लम्स हो गई रिस्परेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो गई एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो गई ठीक है इस तरह जो सिस्टम्स के फंक्शंस हैं उनकी डिजीज़ पे जो है वो इसके अंदर आती हैं ओवर सेंसीटिव पेशेंट पेशेंट बहुत हसास होता है पेशेंट सेंसिटिव टू नॉइस लाइट एंड ऑर्डर पेशेंट जो है रोशनी आवाज़ और स्मेल से भी हसास होता है पेशेंट वरीड अबाउट डाइंग बट लिव फॉर मैनी ईयर्स पेशेंट हर वक्त यही सोचता रहता है बहुत परेशान रहता है कि मैं मर जाऊँगा लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते हैं अब इसमें स्किन की जो है हमारे पास जो आ रही है स्किन पे क्या होता है अभी हमने पीछे भी बार बार स्किन की इचिंग इचिंग की है तो इचिंग अनहेल्दी अनवॉश्ड वॉश्ड अपीरेंस विद एरप्शंस ठीक है अब ये तीन पॉइंट किसमें हैं इसकी आपको आपके पास एंटीसोरिक रेमेडी आ जाती है सल्फर ये सल्फर के पॉइंट्स हैं इचिंग अनहेल्दी अनवॉश्ड वॉश्ड अपीरेंस विद एरपन्स इचिंग फोर्स द पेशेंट टू स्क्रैच पेशेंट ऑलवेज हंग्री एंड ब्लोटेड एबडोमन पेशेंट हर वक्त भूखा रहता है यहाँ तक कि उसको खाना उसने पेट भर के खाना भी खाया है फिर भी जिसको कहते हैं ना कि पेट तो भर गया नियत नहीं भरी वो ऐसे लोग होते हैं ये कि खाना तो खा लिए लेकिन इनका बस नहीं चलता कि वो और खाते रहें खाते रहें खाते रहे ठीक है और इनको ज़्यादातर जो है वो रात के वक्त भूख लगती है फिर इनमें कॉन्स्टिपेशन होता है और मॉर्निंग डायरिया होता है अच्छा अब स्टैंडिंग इज़ इज़र्स्ट पोजिशन ठीक है स्टैंडिंग की पोजिशन जो होती है इनके लिए वर्स्ट होती है बेटर किस तरह होते हैं ये यानी हीट और समर के अंदर ये बेटर फील करते हैं और कोल्ड और विंटर में ये वर्स फील करते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट म्याजम पे साइकोसिस साइकोसिस विनरल मियाजम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड ठीक है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है ये डिवेलप फ्रॉम सप्रेशन ऑफ गनोरिया गनोरिया के सप्रेशन से ये डेवलप होता है प्रोड्यूस कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ ऑल्सो नोन एज फिग डिजीज ठीक है फिश प्राइन ऑर्डर डिस्चार्ज यानी मछली के जो सूप टाइप की कुछ चीज़ होती है ना उस तरह की स्मेल आती है डिस्चार्ज से मैनिफेस्टेड पाए प्रोलिफ्रेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू ठीक है टिशूज़ में फैलना शुरू हो जाता है अब एक चीज़ याद रखिएगा साइकोसिस के अंदर ट्यूमर्स बहुत आते हैं तो इसमें अब देखें ट्यूमर ओवेरियन सिस्ट पेल्फिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ रोमैटिक डिजीज़ ठीक है वेलवुलर हार्ट डिजीज तो ये सब हमारे साइकोसिस के अंदर आ रही हैं ठीक है ठीके? प्रोड्यूस हाइपरट्रॉफी हाँ, हाँ ऑफ द टिशू और ये टिशूज़ की जो है हाइपरट्रॉफी करवा देती है हाइपरट्रॉफी कहते हैं टिशू का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है ठीक है अब आइडेंटिफाई सिम्टम्स क्या हैं इसके कि ऐसा मरीज जो है वो सस्पिशियस होगा इरिटेबल होगा जेलस होगा क्रूल होगा जालिम, जालिम तबीयत का होगा प्रोलीफ्रेशन एंड इन्फिट्रेशन उसकी चल रही होगी बॉडी में स्लो रिकवरी रिकवरी बहुत स्लो हो रही होगी और गोटी ग्रोथ यानी जिसको कहते हैं ना गठियों गठियाँ जैसे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है उसमें फिर पेल्विक डिजीज़ एंड रूमैटिक ट्रबल्स अब इसकी एग्रवेशनस जो हैं बाय एबनॉर्मल डिस्चार्ज कोल्ड डैम्प रे, रेनी सीजन ठीक है तो ये हो गया आ, साइकोसिस अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड मियाजम के ऊपर सिफिलिस वेनरियल मियाजम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड ये भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है कॉज सप्रेसिंग वे, वेनरियल कैंकर डिजीज ठीक है इम्प्योर क्वेश्चन ठीक है अब कैंकर डिजीज़ क्या होती है एक वायरल डिजीज होती है अगर उसको सप्रेस कर दिया जाए तो सिफलेस के अंदर चला जाता है वो पेशेंट मैनिफेस्टेशन क्या है इसकी कैंकर अराउंड जेनिटल पार्ट्स इनहेरिटेड बाय पेरेंट्स कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू एंड बोन्स आइडेंटिफाइड सिम्टम्स क्या आएंगे इसके अल्सरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ़ टिश्यू पेशेंट साइलेंट इम्पल्सिव डल स्टुपिड स्टबर्न पेशेंट फिक्सड आइडियाज विदाउट रीज़न मेलनकोलिक एंड डिप्रेस्ड और सिफिलिटिक पेशेंट्स जो हैं वो मोस्टली सुसाइड की आइडियलाइजेशन uh, रखते हैं तो और दे कमिट सुसाइड फिर बोनी पेशेंट्स होते हैं डिफॉर्मिटीज़ होती हैं इनकी बोन्स में एग्रवेशंस जो हैं वो कूलिंग नाइट एनजाइटी और समर में इनकी एग्रवेशन हो जाती हैं अच्छा एक चीज़ जैसे मैंने अभी इसमें आपको बताया कि वाले सुसाइड कमिट करते हैं साइकोटिक वाले जो हैं आप जितने भी सीरियल कलर्स उठा के देख लो वो सब साइकोटिक हैं कि वो जो है वो दूसरों के आ, बिल्कुल सिफ्लिस के ऑपोजिट होते हैं वो तो यहाँ पर जो है हमारा बहुत ब्रीफ करके बहुत मैंने आ, सिम्प्लीफाइड वे में जो है एक्सप्लेन uh, किया है इसको होपफुली आप सबको पसंद आएगा और uh, जो है uh, तब तक के लिए नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी कोई uh, नया लेक्चर इस तरह अपलोड करूँ और uh, तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा एंड थैंक्स अ लॉट अल्लाह हाफिज़ अच्छा फ्रेंड्स जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को लाइक करें मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा